नमस्कार भक्तों, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का यूपी सरकार से बहुत ही बड़ा फैसला कांवड़ यात्रा 2021 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, आप इस बार कहां से कहां कांवड़ ले जाने वाले हैं। अपने शहर की जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम आपको आपके शहर की पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप बोले के भक्त हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए, वो कौन सी बड़ी खबर है ब्रेकिंग न्यूज, चलिए आपको बताते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में 25 जुलाई 2021 से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा और मेला प्रस्तावित है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ मेले के लिए नई बसें नहीं चलाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड सरकार ने पत्र भेजकर ये भी अनुरोध किया है कि श्रद्धालु यात्रियों की यात्रा से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। जिन यात्रियों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें यात्रा की अनुमति ना दी जाए। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा भी SOP जारी की गई, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कांवड़ मेला और यात्रा के लिए पंजीकरण की वही अनिवार्य प्रक्रिया अपनाई जाए जो अमरनाथ जी यात्रा के लिए अपनाई जा रही थी। हरिद्वार में कांवड़ मेला और गंगा स्नान के लिए आने वाले यात्री को मेला पास जारी किए जाएंगे। बिना पास किसी यात्री को कांवड़ मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। कांवड़ मेला ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों का टीकाकरण भी होगा। मेला प्रशासन के अनुसार कांवड़ के दौरान देश में हरिद्वार से आने वाले यात्री को अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराना होगा। इसके लिए यात्री को RT-PCR रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र और पहचान पत्र को अधिकृत पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद यात्री कांवड़ मेले पास जारी किए जाएंगे। हरिद्वार में गंगा जल लेने आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। हरिद्वार आगमन से पहले यात्री को इस पोर्टल पर अपनी RT-PCR रिपोर्ट, मेडिकल प्रमाण पत्र और पहचान पत्र अपलोड करना होगा। यात्री को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहां कहां पर लगता है कांवड़ मेला। कांवड़ मेला हर साल सावन महीने में लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, देवघर और नासिक में आयोजित किया जाता है। हालांकि कांवड़ मेले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जो 2020 में कई सौ सालों के बाद इसे स्थगित किया गया था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाने की परंपरा कांवड़ यात्रा कहलाती है। कहते हैं ये भक्तों को भगवान से जोड़ती है, महादेव को प्रसन्न कर मनोवांछित फल पाने के लिए कई उपायों में एक उपाय कांवड़ यात्रा भी है। इसे शिव को प्रसन्न करने के लिए सहज मार्ग पर बनाया गया है। तो भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की हरिद्वार से ये थी वो बड़ी खबर। जी हाँ भक्तों, इस तरह से होने वाली हरिद्वार में इस साल कांवड़ यात्रा। तो भक्तों, अगर आपको अपने राज्य शहर की जानकारी पानी है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें कमेंट्स जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु को इसकी जानकारी हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज की वीडियो को बस यहीं पर रोकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।